नमस्कार दोस्तों, मैं फ्रेडन मोहन, प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, उत्तराखंड टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है और इस टेस्ट सीरीज में आज जिसमें हम बात करने वाले हैं वह आपके 29वीं टेस्ट सीरीज है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह यह है कि जो बीरचंद, जो आपके चंद वंश का जो बीरचंद एक शासक था, उसका एक नागनाथ शिलालेख है, उसमें किस राजा का उल्लेख हुआ है, यानी कि उसमें और किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है। आज का ये पहला क्वेश्चन है। इससे पहले कल क्लास में हमने बात की थी कि जो कुर्मांचल शब्द है, अगर हम अभी तक जो शिलालेख जो प्राप्त है उनमें सबसे पहले कुर्मांचल शब्द जो आया है वो यही आपका, जो आपके चंपावत में नागनाथ मंदिर है वहीं से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, तो उसी में सबसे पहले कुर्मांचल शब्द का उल्लेख है। आज हमारा ये क्वेश्चन है कि बीरचंद के इसी शिलालेख में चंद वंश के किस राजा का नाम है। तो यहाँ पर जो चंद राजा है उसका नाम है रुद्रचंद। याद रखना, इसी आपके नागनाथ शिलालेख में रुद्रचंद का भी हमें क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, यानी कि एक राजा का नाम इसका भी उसमें है। अगला क्वेश्चन है, जो उत्तराखंड का गर्भभंजन है वो किसे कहा जाता है। सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। ये जो आपका गर्भभंजन है ये किसको कहा जाता है, यह आपके महीपति शाह को कहा जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा माधो सिंह भंडारी के बारे में, तो याद रखना जो माधो सिंह भंडारी है उनको क्या कहा जाता है, उनको गर्भभंजक कहा जाता है। तो याद रखना, ये आपके गर्भभंजन है जो महीपति शाह है, और जो आपके गर्भभंजक है वो आपके माधो सिंह भंडारी होंगे। और एक और याद रखना इसी में, उन्हीं में से एक आपका इसमें क्या कहा जाएगा, एक और शब्द मिलेगा वो आपका गर्भभंजन आएगा। तो गर्भभंजन में आपका किसका नाम आएगा, मानसा का नाम याद रखिएगा। यानी कि आपका जो आपका कौन सा, जो आपका गर्भभंजन है वो आपके महीपति शाह, और जो गर्भभंजन है वो माधो सिंह भंडारी, और जो गर्भभंजन होंगे वो आपके किसको कहा जाता है, मानसा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो आपका सामाशाही का जो बागान है उसकी स्थापना आपकी किसने कर रखी है। याद रखना, इसकी जो स्थापना कर रखी है वह आपके श्याम शाह ने कर रखी है, और कहां पर करी है, अपनी जो जहां पर वो शासन करते थे, यानी कि कहां पर, आपके श्रीनगर में यह आपका स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, अभी तक जो प्राचीन मंदिर है उनमें से प्राचीन मंदिरों में राज्य का सबसे बड़ा जो मंदिर है वह कौन है। तो याद रखना, जो आपका गोपेश्वर चमोली में गोपेश्वर का जो शिव मंदिर है वह आपके राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है। कौन सा मंदिर, आपके गोपेश्वर का शिव मंदिर। अगला क्वेश्चन इसमें हमारा है कि जो प्रसिद्ध आपका कमलेश्वर मंदिर है यह कहां पर स्थित है। तो यह आपके कहां पर स्थित है, आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जो नानक मत्ता है, नानक मत्ता का प्राचीन नाम क्या है। तो जो नानक मत्ता रहेगा, इस नानक मत्ता का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, आपका बक्सी है। अगला क्वेश्चन है, जो पहाड़ी चित्रकला नामक जो किताब है वह किसकी है। तो ये किताब जो लिखी हुई है यह आपके किशोरी लाल वैद ने लिख रखी है। तो याद रखना, जो किशोरी लाल वैद है, किशोरी लाल वैद ने आपकी कौन सी किताब लिखी है, पहाड़ी चित्रकला। अगला क्वेश्चन है, जो मुकुंदीलाल है, मुकुंदीलाल की जन्म स्थली कहाँ है। तो ये मुकुंदीलाल की जो जन्म स्थली है यह आपके चमोली में एक पाटली ग्राम पड़ता है, उस पाटली ग्राम में इनकी जन्म स्थली है। और इनके जन्म को भी याद रखना कि इनका जो जन्म हो रखा है वह आपके 14 अक्टूबर 1885 में हो रखा है, और जो इनकी मृत्यु होगी वह आपके 10 जनवरी 1900 आपके कब होती है, 82 में होती है। तो इनकी जन्म स्थली आपके पाटली है, पाटली कहाँ, आपकी चमोली में, और ये इनका जन्म हो जाएगा 14 अक्टूबर को, और 10 जनवरी को इनकी मृत्यु हो जाती है 1982 में। अगला क्वेश्चन है, जो रानीखेत है, आधुनिक रानीखेत है, उसकी स्थापना जो है वह आपकी कब हुई है। तो जो इसकी स्थापना हो रखी है वह आपकी कब होगी, 1869 में हो रखी है। याद रखना, आपके अमेरिका के यूएसए के न्यायाधीश थे जिनका नाम आपका दोगल्स था, इन्होंने ही क्या कह रखा है, इस रानीखेत को विश्व का सर्वोच्च जो हिल स्टेशन की जो संज्ञा दे रखी है वो आपके यही अमेरिका के न्यायाधीश दोगल्स ने दे रखी है। और इस की
जो आधुनिक रानीखेत की स्थापना हुई है वो कब हुई है, 1869 में मानी गई है। अगला क्वेश्चन है जो टिहरी वन विभाग है इसकी स्थापना कब की गई है, तो जो टिहरी वन विभाग की जो स्थापना की गई है वह आपके कब की गई है, 1 मई 1885 में की गई है। तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।